मिल स्टार्टेड इन दादर, परेल, भायखला, शिवडी, प्रभादेवी एंड वर्ली। फिर धीरे धीरे अलग अलग रीजन्स में भी मिल स्टार्ट किए गए। ओके, दिस पार्ट केम टू बी नोन एज गिरनगांव और टाउन ऑफ मिल्स। और ये जो पार्ट्स है जहाँ पर अलग अलग जो पार्ट्स है वहाँ पर जो टेक्सटाइल मिल स्टार्ट किया गया, सेट किया गया, दैट पार्ट इज नोन एज अ गिरनगांव। गिरनगांव यानी टाउन ऑफ मिल्स। इन द 1980s द इंक्रीजिंग अनरेस्ट अमंग वर्कर्स वाज ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन इन अदर सेक्टर्स। ओके, 1980s में जो इंक्रीजिंग अनरेस्ट हुआ, अनरेस्ट मतलब यू नो उनके जो वर्कर्स है, टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर्स है उनमें यू नो खटपट होने लगी। ओके, क्या रीजन था? इकोनॉमिक कंडीशन इन अदर सेक्टर्स के वजह से जो दूसरे सेक्टर्स थे यानी दूसरे सेक्टर के जो वर्कर्स थे उनका इकोनॉमिक कंडीशन अलग था इनके कंडीशन से, जिसके वजह से इनके यू नो मन में खलबल मचने लगा। इन सम इंडस्ट्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वर इंक्रीजिंग, दे वर आल्सो गेटिंग मोर अमाउंट्स एज बोनस, दे वर गेटिंग मोर फैसिलिटीज देन द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। ओके, रीजन क्या था इस अनरेस्ट का? क्योंकि जो दूसरे सेक्टर्स थे वहाँ के वर्कर्स के जो वेजेस थे यानी उनका जो पेमेंट था वो इंक्रीज किया गया था, एंड ऑल्सो उनको जो बोनस मिलता था वो भी अमाउंट इंक्रीज था, एंड ऑल्सो उनको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज मिलती थी जो कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को नहीं मिलती थी, जिसके वजह से यू नो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स में अनबन होने लगी, खटपट होने लगी। सी द पिक्चर ऑफ टेक्सटाइल मिल। इन द दिवाली ऑफ 1981 द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%। ओके, जब ऐसे स्पेशल ओकेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तभी स्पेशली दिवाली में तो जो काम करते हैं जो एम्प्लॉयज है ठीक है वो उनको बोनस दिया जाता है, जो एम्प्लॉयर्स है वो बोनस देते हैं ठीक है। तो जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे उन्होंने दिवाली में 1981 के दिवाली में ये एक्सपेक्ट किया था कि उनको 20% बोनस मिलेगा। ओके, द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, राष्ट्रीय मिल मजदूर, मजदूर यानी वर्कर संघ, संघ यानी कमिटी। ओके, मिल वर्कर कमिटी एक रहता है जो कि यू नो एक कमिटी रहता है जो कि जो मिल वर्कर्स के जो भी इश्यूज है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो एम्प्लॉयर के साथ जो ओनर है उनके साथ वो डिस्कस करते हैं। दे एक्ट लाइक अ मिडल मैन यानी एजेंट की तरह, मिडल मैन की तरह वो वर्क करते हैं और यू नो कनेक्शन फॉर्म करते हैं बिटवीन द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द वर्कर्स। तो ये जो है राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ यानी वर्कर कमेटी, उन्होंने यू नो विच वॉज नेगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर्स अग्रीड अपॉन 8-7% बोनस विदाउट टेकिंग द वर्कर्स इन टू कॉन्फिडेंस। ओके, तो जब उन्होंने नेगोशिएट किया यानी जो कमिटी है वो कमिटी ने जब एम्प्लॉयर के साथ ओनर के साथ नेगोशिएट किया, बातचीत की, उस वक्त उन्होंने ये डिसाइड किया, इस चीज़ पे अग्री किया कि जो बोनस है वो 8% से लेके 17% तक दिया जाएगा विदाउट यू नो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ वर्कर्स कॉन्फिडेंस, मतलब वर्कर को के मर्जी के खिलाफ उनके जो डिमांड है उसके अगेंस्ट उन्होंने ये परसेंटेज फिक्स कर लिया था। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट, और ये जो बोनस में जब कटौती की गई है ठीक है एंड वर्कर्स के बारे में नहीं सोचा गया, एंड जो कमिटी था उसने ओनर के साथ एम्प्लॉयर के साथ
साथ एग्रीमेंट कर लिया था 8 to 70% बोनस के लिए, वो रीजन था ये अनरेस्ट का। ओके, अनरेस्ट का रीजन यही था कि उनका जो बोनस है उसमें कटौती की गई। सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत, ओके, दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप। तो कुछ वर्कर्स जो थे वो डॉक्टर दत्ता सामंत के पास गए, हु वाज द पॉलिटिशियन, ओके, उनके पास गए और उनको बोला कि वो उनके जो वर्कर ग्रुप है उनके वो लीडर बने, ओके, बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर एंड डॉक्टर दत्ता सामंत लेट द स्ट्राइक, और सारे जो वर्कर्स थे 65 मिल्स के जो वर्कर्स थे वो इकट्ठे आए और अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर दत्ता सामंत उन्होंने स्ट्राइक किया। ऑन 18 जनवरी 1982 2.5 lakh वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक। तो 18 जनवरी 1982 को 2.5 lakh यानी 2.5 लाख जो वर्कर्स थे 65 मिल्स के जो वर्कर्स थे वो एक साथ स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे जाना मतलब काम छोड़ देना और यू नो धरने पे बैठ जाना, ओके, और अपनी मांगे पूरी करने के लिए डिमांड करना, ओके। तो उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया था। गिरनगांव मिल स्टॉप्ड रनिंग मेकिंग इट सीम लाइक मुंबई'स हार्ट स्टॉप थ्रोबिंग, और जो गिरनगांव के जो मिल्स थे यानी जो टाउन ऑफ मिल्स था, सिंस वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो मिल्स बंद पड़ गए, मशीन बंद पड़ गई, वहां पर काम नहीं हो रहा था। तो जैसे ही वो स्टॉप हो गए तो ऐसे लगने लगा जैसे कि मुंबई का जो हार्ट है वो धड़कना बंद हो गया, यानी थ्रॉबिंग का मतलब है यू नो बीटिंग, जो हार्ट बीट होता है वो बीट नहीं कर रहा है, वो थ्रॉब नहीं कर रहा है और ये स्टॉप हो गया सिंस मिल्स आर नॉट वर्किंग। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बैरिस्टर ए आर अंतुले सेट अप अ कमिटी टू सॉल्व दिस इशू, और इस इशू को ये बहुत ही बड़ी इशू थी सिंस 65 मिल्स के वर्कर्स एंड देयर वर अराउंड 2.5 लाख जो वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, जिसके वजह से जो इंडस्ट्रीज है जो फैक्ट्रीज है वो बंद पड़ गई थी, जो मिल्स है वो बंद पड़ गई थी। इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो महाराष्ट्र के सीएम थे उस वक्त वो एंड बैरिस्टर यानी जो लीगल एडवाइजर यानी जो वकील एआर अंतुले थे वो उन्होंने एक कमिटी सेटअप किया सो दैट दे कैन सॉल्व दिस इशू। लेटर बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, फिर बाद में बाबा साहेब भोसले चीफ मिनिस्टर बन गए महाराष्ट्र के। ही इंसिस्टेड दैट एज पर लॉ ही वुड टॉक ओनली विद द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, ओके, एंड जब बाबा साहेब भोसले जब सीएम बने चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के तो उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो किससे बात करेंगे, जो कमिटी है वर्कर कमिटी है जो मजदूर संघ है
स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक करना मतलब काम का छोड़ देना, काम का छोड़ दिया मतलब अभी सोर्स ऑफ जो लाइवलीहुड है उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। शुरुआत में इट वाज़न्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम क्योंकि नेटिव उनके जो वर्कर्स थे उनके नेटिव प्लेसेस से उनको सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, तो वो उस स्ट्राइक को कैरी आउट कर सके। ओके, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं था, वो एक दूसरों को हेल्प कर रहे थे। दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने एक कमिटी सेटअप किया, डिपार्टमेंटल कमिटी सेटअप किया जहाँ पे यू नो अलग अलग नेटिव प्लेसेस के उनके जो लोग हैं वो उनको हेल्प करते हैं, वो उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, वो उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो इनिशियल पीरियड था उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई इन वर्कर्स को। ओके, the left parties had supported the strike. जो left party है यानी जो opposite party होती है उन्होंने इस strike को support किया। As the strike dragged on, efforts were made to split the striking workers' rank. Even as per the strike completed 6 months, the central government completely ignored it. Okay. जो ऑपोजिट पार्टी है उन्होंने भी स्ट्राइक को सपोर्ट किया एंड ये जो स्ट्राइक है वो ड्रैग ही होते जा रहा था, मतलब गवर्नमेंट वाज नॉट यू नो टेकिंग एनी एफर्ट्स टू सॉल्व इट। उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट टोटली इग्नोर्ड दिस इशू और ये जो स्ट्राइक है वो देखते देखते उसको 6 महीने हो चुके थे एंड यू नो द वर्कर्स started a jail bharo agitation, जिसकी वजह से worker ने jail bharo agitation, jail bharo आंदोलन उन्होंने start कर दिया, you know, demanding that they should be put into the jail. Since they are not agreeing to their demands, जो workers के demands से उनको agree नहीं कर रहे, उनके issues को government solve नहीं कर रहे, तो उन्होंने jail bharo agitation, jail bharo आंदोलन दिया। In September 1982, 1.5 lakh workers took a march on the Legislative Assembly of Maharashtra State. It did not help at all. तो 1982, September 1982 को 1.5 lakh जो workers थे, वो अपना मोर्चा लेके गए। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है महाराष्ट्र का वहाँ पर अपना मोर्चा लेके गए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, उनके इशू सॉल्व नहीं हुए। द स्ट्राइक कंप्लीटेड अ ईयर, देखते देखते जो स्ट्राइक है वो एक साल हो चुका था उसको। दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन फॉर अ ईयर। दिस वॉज इन दिस period about 1.5 lakh workers became unemployed और ये जो strike है वो first strike था जो कि पूरे एक साल तक गया and इस strike की वजह से 1.5 lakh जो workers थे वो unemployed हो गए, मतलब वो बेरोजगार हो गए, उनके हाथ से काम चला गया। As polyesters had come into greater demand than cotton cloth, the sale of milk cloth had already got affected. Polyester एक quality रहता है कपड़े का जो कि cotton से you know सस्ती रहती है, low quality की रहती है। वो quality के cloth you know market में आने लगी, जिसके वजह से cotton mill का demand कम होने लगा। Okay. The mills moved from Mumbai to Surat in Gujarat. Okay, since polyester जो कपड़ा है वो market में ज़्यादा आने लगा, उसके mills ज़्यादा आने लगी, तो cotton mills जो है उसमें affect होने लगा, वो मतलब कम होती गई, उसके demand कम होते गए, cotton के कपड़ों का demand कम होते गया, तो उसके वजह से जो Mumbai में mills थे, टेक्सटाइल मिल्स थे, वो किधर शिफ्ट कर दिया गया,
सूरत में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि गुजरात में है, वहां पर सारे मिल्स को शिफ्ट कर दिए गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज 13 टेक्सटाइल मिल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू। और जो टेक्सटाइल मिल का जो इशू था, ओके, वो मतलब सॉल्व नहीं हो पाया। एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 टेक्सटाइल मिल्स को नेशनलाइज कर दिया, मतलब उसको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स मीन्स अ बॉडी विच इज सेट अप यू नो टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ द वर्कर्स। ओके, एक कमिटी या एक बॉडी जो कि वर्कर्स के इश्यू को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था, वो भी वर्कर के इश्यू को सॉल्व नहीं कर पाई। यानी जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का जो